हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन ऑल अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव असरदार रामबाण घरेलू उपाय बताने वाली हूँ, जिसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो मरते दम तक आपके जोड़ों में घुटनों में कभी दर्द नहीं होगा, आपकी हड्डियाँ कमजोर नहीं होगी और जो साइटिका का पेशेंट है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। उनके नसों में ब्लॉकेज नहीं आएगी, साइटिका से छुटकारा मिलेगा और हाई बीपी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, डायबिटीज आपका कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रित रहेगा और इसके साथ ही अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान है और वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं तो आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक चीज का प्रयोग करना बताऊंगी और सिर्फ एक चीज का आपको अलग अलग तरीके से प्रयोग करना है। जब आप इसे अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो आपके अलग अलग बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे कि मोटापा के लिए आपको किस तरीके से प्रयोग करना है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए या जोड़ों घुटनों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए किस तरीके से प्रयोग करना है, इस सब मैं आपको पूरे डिटेल से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, जिस आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के बारे में मैं बात कर रही हूँ उसके लिए आपको सिर्फ लहसुन का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, लहसुन जो है सबके घरों में इजीली मिल जाता है, किचन में अवेलेबल होता है क्योंकि हम इसका ज्यादातर प्रयोग सब्जियों में करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर होता है और आयुर्वेद में लहसुन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसमें औषधीय गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता नहीं होगा कि सिर्फ आप एक लहसुन का प्रयोग करके आप अपने शरीर के कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि लहसुन में इतने सारे औषधीय गुण हैं कि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में कितनी भी बीमारियां क्यों नहीं हो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। क्योंकि इसमें एक एलिसिन नामक तत्व होता है जो कि एक कैंसर रोधी तत्व होता है, यानी कि आपके शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश करता है अगर आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो। इसके साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है, यानी कि रोग से लड़ने की ताकत आपके अंदर आ जाती है, जिससे आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, यानी कि आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ पाते हैं। जो इंसान जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, सर्दी खांसी जुकाम या बुखार होती रहती है, उनका जो इम्यूनिटी होता है वीक होता है, कमजोर होता है, इस वजह से वो हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। तो आपको कोई भी महंगे चीजों का प्रयोग नहीं करना है, अगर आप सिर्फ लहसुन का प्रयोग करते हैं तो इससे आपका इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे आपके अंदर रोग से लड़ने की ताकत आ जाएगी, तो आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा और आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन सब्जियों में तो सब इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप कच्चे फॉर्म में लहसुन का प्रयोग करेंगे तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि पकाकर जो भी चीज आप खाते हैं वो इतना बेनिफिशियल नहीं होता है जितना आप इसे कच्चे फॉर्म में यूज करते हैं। तो लहसुन आप सिर्फ एक लहसुन का प्रयोग करके आप अलग अलग तरीके से अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अलग अलग बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो जो लोग ज्वाइंट पेन की समस्या से परेशान रहते हैं, यानी कि जैसे कि आजकल जो है 30 के बाद ही सबको ज्वाइंट में दर्द होने लग रहा है, हड्डियां उनकी कमजोर हो जा रही है, हड्डियों से कटपट की आवाज आने लग रही है, वैसे जो 40 क्रॉस कर चुके हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, ज्वाइंट पेन की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो यह एक आम बात हो गई। लेकिन जो 25 के हैं, 30 के हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है, उनके ज्वाइंट में हमेशा दर्द रह रहा है, तो ये सोचने वाली बात है, टेंशन लेने वाली बात है। लेकिन अगर आप लहसुन का प्रयोग करेंगे तो आपको इस सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट पेन की समस्या को छुटकारा दिलाने में लहसुन रामबाण इलाज की तरह काम करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्योंकि लहसुन में बहुत सारे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B6, इसके अलावा विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून की कमी को भी दूर करता है। इसके अलावा मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि लहसुन का प्रयोग आप किस किस तरीके से कर सकते हैं और किस बीमारी को दूर करने के लिए आपको लहसुन का प्रयोग किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर आप ज्वाइंट पेन की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं या अपने हाई बीपी की समस्या को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करना चाहते हैं, डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कि अपने शरीर में ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लहसुन का प्रयोग सुबह में खाली पेट करना है। कैसे करना है, इसके लिए आपको लहसुन के 3 दाने ले लेने हैं, छिलका हटाकर आपको ले लेना है और सुबह में खाली पेट आपको लहसुन को चबा चबा कर खा लेना है और 1 गिलास गर्म पानी आपको पी लेना है, यानी कि गुनगुना पानी। यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि जो लोग लहसुन के दाने को कलियों को चबा चबा कर डायरेक्टली नहीं खा सकते हैं, वो लहसुन की 3 कलियों को ले ले और हल्का सा उसे कूट ले और तब इसे चबा कर और गर्म पानी पी सकते हैं या चबा चबा कर थोड़ा सा फिर पानी से निगल सकते हैं, क्योंकि लहसुन जो है कच्चे फॉर्म में थोड़ा सा तीखा लगता है, तो शायद किसी को बर्दाश्त नहीं हो, लेकिन
फायदेमंद काफी होता है। तो अगर आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो काफी फायदेमंद होगा आपके सेहत के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इस रेमेडी का प्रयोग डेली सुबह में खाली पेट ही करना है, और इसके खाने के 30 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है, 30 मिनट के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। और इस रेमेडी को अगर आप इस तरीके से प्रयोग करते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ बहुत ही इफेक्टिव और रामबाण नुस्खा है, आपकी ज्वाइंट पेन की समस्या से छुटकारा दिलाएगा, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रहेगा, आपकी हड्डियों से कभी भी कटकट की आवाज़ नहीं आएगी। आप इस रेमेडी का प्रयोग करके देखिएगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी पुराने ज़माने से प्रयोग किया जा रहा है, और हमारे घरों में भी हमारे दादा दादी प्रयोग करते थे और मरते दम तक, यानी कि जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके घुटनों में जोड़ में कभी दर्द नहीं हुआ है। तो ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप ही जरूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन क्वांटिटी बस घटा देनी है। जो वयस्क हैं यानी कि जो 25 से ऊपर के हैं 3 दाने लेंगे, अदरवाइज जो 25 से नीचे के हैं कम उम्र के हैं वो 2 दाने ही इसका प्रयोग करेंगे। तो आप इस तरीके से कच्चे लहसुन का प्रयोग सुबह में खाली पेट गर्म पानी के साथ प्रयोग कीजिएगा, बहुत ही इफेक्टिव है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान है और अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं उसके लिए उनको लहसुन के पानी का प्रयोग करना है। किस तरीके से प्रयोग करना है मैं आपको बता देती हूँ। आपको रात को 1 गिलास पानी लेना है और इसमें लहसुन के 5 कलियों को छिलका निकाल करके 5 कलियों को आपको पानी में डाल देना है और ढककर इसे रख देना है रात भर के लिए। सुबह में आपको इस लहसुन वाले पानी को हल्का सा बॉयल करना है लो से मीडियम फ्लेम पे, और इसके जब पानी 80% बच जाए तब इस पानी को आपको लहसुन को छान लेना है, लहसुन को चबा चबा कर खा लेना है, और इसके पानी को आपको सिप सिप करके पी लेना है। और इस रेमेडी का भी प्रयोग आपको डेली सुबह में खाली पेट ही करना है। और इस रेमेडी का प्रयोग करने के बाद आपको 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ खाना है। ध्यान रखना है कि इस रेमेडी को यानी कि अधिकतर रेमेडी को यूज करने के 30 मिनट तक कुछ नहीं खाना होता है, लेकिन अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो इस रेमेडी को यूज करने के बाद 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है, उसके बाद ही आपको कुछ खाना है। और ध्यान रहे कि आपको सुबह में खाली पेट ही इसका प्रयोग करना है। मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी रेमेडी अगर हम सुबह खाली पेट प्रयोग करते हैं तो इसके 2 गुने फायदे मिलते हैं, इसलिए हमेशा किसी भी रेमेडी को आपको सुबह में खाली पेट ही प्रयोग करना चाहिए, जो ज्यादातर प्रयोग करने वाली होती है उसको। तो इस रेमेडी को अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगेगा। इसके प्रयोग करने से आपके शरीर में जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा फैट को पिघलाने का काम करता है, और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट रखता है, जिससे आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगता है। तो बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है। तो आप अपने वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं तो आप इस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको लहसुन के काफी सारे बेनिफिट्स के बारे में बताया है, और इसका प्रयोग आपको किस किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। वैसे लहसुन का प्रयोग 2 ही तरीके से किया जाता है, 1 सुबह में खाली पेट लहसुन की कलियों को चबाकर और गर्म पानी पीकर, और 1 जो है रात को भिगोकर यानी कि रात को पानी में डुबोकर रख दीजिए, और सुबह में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके पानी का और लहसुन को भी खा लिया जाता है। तो यही 2 तरीका है, और अगर आप इस तरीके से दोनों तरीके से प्रयोग करते हैं तो जो पहला तरीका मैंने बताया है लहसुन को चबा चबा कर खाकर पानी पीने वाला, वो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए और ज्वाइंट पेन की समस्या छुटकारा दिलाने के लिए रामबाण इलाज है। तो आप उस नुस्खे को जरूर ट्राई कीजिएगा। और वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो आप रात को भिगोकर फिर लहसुन का प्रयोग कीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी वीडियो काफी यूजफुल लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी आयुर्वेदिक नुस्खे की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।